बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू छोले। तो ये मैंने एक पाव चने लिए थे जो मैंने बॉईल करके रख लिए हैं। अब हम इसमें आलू शामिल करेंगे। एक पाव आलू लिए थे मैंने जो मैंने काट लिए थे और वो शामिल कर दिए हमने इसमें। तो 1 टेबल स्पून मैं इसमें सॉल्ट डालूंगी और 1 टेबल स्पून हम इसमें चाट मसाला शामिल करेंगे। एक प्यारी मैंने दही ली है वो ऐड कर देंगे। वन टेबल स्पून मैंने ग्रीन चटनी ली थी वो शामिल कर देंगे हम इसमें। टू टेबल स्पून अब हम इधर खुबानी की चटनी डालेंगे। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और ये हमने इमली का पल्प लिया है, इमली की गुठली अलग कर दी है और पल्प हमने ले लिया है। ये हाफ प्याली पल्प ले रही हूँ मैं, आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें सब्जियाँ ऐड करेंगे। तो ये 2 टेबल स्पून मैंने बंद गोभी लिया, 2 टेबल स्पून मैंने प्याज लिया और ये सलाद के पत्ते लिए मैंने 2 टेबल स्पून। एक अदर टमाटर लिया था जिसको मैंने बारीक काट लिया है। टमाटर बीज समेत नहीं काटने, बीज निकाल लेने हैं। और ये हरी मिर्चें लिए मैंने 2 अदद जो मैंने बारीक काट ली हैं। और ये लाल मूली ली थी। इन सब चीज़ों को हम मिक्स करके और अच्छी सी आलू छोला चाट तैयार कर लेंगे। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मज़ेदार हमारी चना चाट तैयार हो जाएगी। जो चटनी मैंने डाली है, ग्रीन चटनी और खुबानी की चटनी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। मज़ेदार चाट हमारी तैयार हो जाएगी। तो मसाले कम बढ़ती कर सकते हैं और सैलड भी आप कम बढ़ती कर सकते हैं। अगर आप सैलड ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल लें, कम पसंद करते हैं तो कम डाल लें। तो एकदम बाज़ारी स्टाइल हमारे आलू छोले तैयार हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो इनको लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।